हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मंजू सोनी भजन माला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ उसमें डबल धमाका है। आप एक ही ढोलक वीडियो में दो प्रकार की सरल और आसान ताल सीखेंगे, जो कि मैं बोल और गिनती दोनों में आपको बताऊंगी। और मजे की बात यह है कि दोनों तालों के बोल एक ही हैं और 6 तक की गिनती में दोनों ताले हैं और उनके बोल एक ही हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं बोल में आप लोग को कम बताती हूँ, इसलिए मैं आज आप लोग को बोल में भी बताऊंगी, गिनती में भी बताऊंगी और दो प्रकार की बहुत ही सरल आसान ताल बताऊंगी। बस आप लोग मेरे साथ ढोलक लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप लोग बजाने की कोशिश करिए, फिर देखिए कैसे आसानी से आप लोग को ये दोनों ताल आती हैं। तो आ जाइए आप लोग अपने अपने ढोलक लेकर के। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा भाग ये बेस कहलाता है, मसाला लगाइए जहां पर हम धपाक लगाते हैं, इस तरह से धपाक लगाते हैं बिल्कुल हल्का हाथ देखिए, और ये हिस्सा मारते हैं उंगली के नीचे का इस तरह से। तो ये खुला बेस कहलाता है, बीच में लेते तो बंद बेस, खुला बेस बंद बेस, खुला बेस बंद बेस। अब यहां पर हम उंगलियां चलाते हैं, तो तीन उंगली हम ग्रुप में लेते हैं ऊपर, एक उंगली नीचे, तीन ग्रुप में एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, इस तरह से लेते हैं और ऊपर ही मारते, देखिए यहां इस तरह की आवाज निकालिए बिल्कुल हल्का हाथ। इस तरह से लेना हमको। अब चलिए पहली ताल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली ताल हमारे बोल क्या है? अच्छा, और जो मैं आप लोग को बोल बता रही हूं तो आप लोग एक डायरी ले आइए, उसमें नोट करते जाइए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बोल में ही बताऊंगी, आप लोग को बोल में भी बहुत ही जल्दी समझ में आएगी। चलिए तो पहली हमारी बोल क्या है, देखिए, घे तीना घे धीना, घे तीना घे धीना, ये हमारी बोल है। लय भी हमारी सीधी सीधी है, घे तीना घे धीना, घे तीना घे धीना, इस तरह से है लय। तो अब देखिए घे हमारा कहाँ बजता, मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग डायरी में नोट करते जाइए जिससे आप लोग को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए जो हम ये खुला बेस मारते हैं, ये इसको हम बोलते हैं घे, घे ये घे कहलाता है, घे। तीना, तो ती हमारा जो ये तीन उंगली हम ऊपर लेते हैं ग्रुप में, इसको हम बोलते ती, और जो नीचे एक उंगली लेते इसको बोलते हैं ना, ती ना, ती ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये खुला बेस घे ती ना। अब ये तीन बोल हो गए, तीन आखिरी दूसरे बोल क्या है, घे धी ना। तो घे हमारा फिर से खुला बेस घे, अब धी हमारा आएगा, देखिए धी, ये तीन उंगली और ये खुला बेस, जब हम इकट्ठा दोनों मारते हैं तीन उंगली यहां पर और खुला बेस एक साथ लेते हैं तो इसको बोलते धी धी धी, और ये नीचे ना, तो धे ती ना, धे धी ना, धे ती ना, धे धी ना, धे ती ना, इस तरह से आप बोलते जाइए और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से हम बजाएंगे। तो यहां देखिए मैं आपको बताती हूं, ये समझिए हमारा खुला बेस है और ये चाटी है, तो हम कैसे लेंगे, ये खुला बेस मारेंगे तो इसको हम बोलते घे घे ती, तीन उंगली जो लिए ती ना, घे ती ना, घे धी ना, धी एक साथ हमने लिया तीन उंगली और ये खुला बेस, तो ये धी हो गया,
ही ना। तो हमारे बोल क्या है, घे पीना घे घीना, घे पीना घे घीना, घे पीना घे घीना। दूसरी ताल भी जो मैं बताऊंगी आपको, बोल उसके यही है, बस थोड़ी सी लय उसकी चेंज हो जाएगी। बहुत ही आसान सरल ताल है दोनों, आप दोनों सीखिए, बहुत ही आसानी से आपको दोनों ताल आएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया घे पीना घे घीना, घे पीना घे घीना, घे पीना घे घीना। चलिए इसको बजा के मैं आपको बताती हूँ, देखिए घे गिनती से सीखना चाहते तो गिनती में बजाइए। देखिए कैसे आएगी गिनती हमारी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पहले ये खुला बेस, ये चाटी, तो कैसे लेंगे हम, देखिए एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छह। देखिए अब इसको बजाती हूँ, गिनती में आपको बताती हूँ, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये हमारी लय रहेगी। तो कैसे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। जाइए देखिए कितनी अच्छी लय है ना, कितनी अच्छी ताल है। देखिए अब मैं आपको गिनती में भी और बोल में दोनों में बता रही हूँ, धीरे धीरे बताऊंगी। तेज करिए, देखिए मैं धीरे बजाऊंगी फिर उसको तेज करूंगी। गिनती में बोल रही हूं मैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। कितनी अच्छी बज रही है और बिल्कुल आसान है, और बोल में जैसे मेरा एक वीडियो पड़ा है बन्ना बन्नी का, उसकी मैं चार लाइन आपको गा करके इसमें सुनाती हूँ, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और पूरा आपको गाना सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वो गाना देखिएगा। तो देखिए कैसे बजाएंगे हम, शादी का शुभ दिन आया मैं।
यही रहेंगे, गिनती में भी हमारी यही रहेगी, बस हमको थोड़ी सी लय चेंज करना है। तो कैसे देखिए, घे तीना, ये हमारे बोल घे तीना घे दीना यही बोल रहेंगे, घे तीना घे दीना घे दीना। देखिए पहले मैं बोल बताती हूँ आपको, घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना घे तीना। ना में मैं रुक रही हूँ, देखिए घे तीना घे धीना घे धी बहुत जल्दी आएगा, घे तीना घे धीना। गिनती में एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। देखिए आप बजा के देखते हैं, हम इसको धीरे धीरे बजाऊंगी पहले मैं, फिर तेज करूंगी। घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना घे धीना। देखिए आराम से देखिए, घे तीना घे धीना। यहां देखिए बहुत आसानी से मैं आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देखें ढोलक का, तो उनको ढोलक आ जाए, मेरी यही प्रार्थना रहती है भगवान से। तो देखिए मैं बहुत ही सरल से सरल आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए कैसे, ये हमारा खुला बेस है, ये चाटी है, तो घे ती ना ती ना, तीन उंगली और ये ना, ती ये हो गया एक उंगली ना, घे नहीं सॉरी घे तीना घे धीना घे धीना। देखिए घे, देखिए यहां पर घे तीना घे तीना घे धीना घे धीना घे धीना घे धीना। बहुत जल्दी लेना हमको ये, देखिए और धी घे धीना घे तीना, हमारे पहली ताल की जैसी ही आएगा, घे तीना घे धीना घे धीना घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना घे तीना घे धीना। अब देखिए इसको मैं बजा के धीरे धीरे आपको बताती हूँ, और गिनती में भी देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, देखिए एक दो तीन चार पांच छह चार पांच छह चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह चार पांच छह चार पांच छह चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, बजा के मैं आपको बताती हूँ, धीरे धीरे बताऊंगी, बिल्कुल आराम से आप देखिए, एक दो तीन चार देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, और आप लोग घर बैठे बिल्कुल आसानी से ढोलक सीख पाएंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आप लोग मन लगा करके प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो देखिए कितनी जल्दी आपको ढोलक आती है। तो कैसे देखिए, घे तीना घे तीना घे तीना घे तीना घे तीना घे तीना, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। इस तरह से आपको लेना, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करिए आप, फिर जब अच्छे से आपको आने लगे थोड़ा इसको तेज करिए। देखिए मैं तेज करके बताती हूँ,
कोशिश प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना आए। बस एक से छह तक की गिनती में है, बस दोनों की लय अलग है, दोनों के बोल एक से हैं और गिनती छह तक की दोनों ताल में है। बस आप लोग को मन लगा कर प्रैक्टिस करिए करना है और दोनों ताल आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। धन्यवाद। जय माता दी।